मुजफ्फरपुर में पुलिस के डंडे से अधिवक्ता घायल, आंख में लगी गंभीर चोट। आरोप काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने मारा डंडा। मुजफ्फरपुर में पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। इस बार आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक अधिवक्ता है। अधिवक्ता का आरोप है कि वे शादी से घर लौट रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने डंडा मारकर उनका एक आंख को फोड़ दिया। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना के माड़ीपुर स्थित पावर हाउस चौक की है। पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि उनका नाम पंकज कुमार है। वे मूल रूप से हथौड़ी थाना इलाके के रहने वाले हैं। वर्तमान में शहर के बालूघाट ब्रह्मस्थान के पास रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि देर रात्रि वह भगवानपुर से घर लौट रहे थे। पावर हाउस चौक पर काजी मोहम्मदपुर थाने की गश्ती टीम थी। पुलिस ने वाहन को रोकने का इशारा किया। वे जब तक रुकते, एक पुलिसकर्मी ने लाठी चला दी। लाठी उनके आंख पर लग गई, जिससे उनकी आंख में गंभीर चोटें आई हैं। वे आनन फानन में निजी अस्पताल पहुंचे। वहां से SKMCH पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले में काजी मोहम्मदपुर थानेदार मनोज कुमार साह ने बताया, मामला संज्ञान में आया है। हालांकि पीड़ित की ओर से थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलते ही जांच की जाएगी, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, हम वकालत करते हैं। कल एक वकील साहब के भतीजा की शादी थी पटना में, वहाँ से लौट रहे थे तो एक हमारे वकील साथी को रेवा रोड में उतरना था, वहाँ उनको छोड़ने गए। छोड़ने के बाद भगवानपुर वाला ओवरब्रिज पार करके माड़ीपुर पावर हाउस चौक के पास आए तो पुलिस ने हाथ दिया। जब तक गाड़ी धीरे करे करे तब तक डंडा चला दिया, मेरा आँख ख़त्म हो गया। यहाँ पर मुजफ्फरपुर में लोगों से दिखवाए हैं, डॉक्टर लोगों से, तो यहाँ कोई नहीं सकारे हैं। सब बोले हैं कि शंकर नेत्रालय जाइए, आपका आँख ख़त्म है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम, मेरा गांव हुआ हम वहाँ थाना हथौड़ी, जिला मुजफ्फरपुर, और टाउन में हुआ बालूघाट ब्रह्मस्थान चौक, और इमली चट्टी में अपना ऑफिस है, वहाँ वकालत का काम करते हैं। घटना हुई पावर हाउस चौक पे, माड़ीपुर पावर हाउस। किसके, कैसे घटना हो गया? घटना हो गया कि गाड़ी लेके उतर रहे थे, गाड़ी में परिवार लोग भी था, पुलिस हाथ दिया। कौन पुलिस? काजी मोहम्मदपुर थाना था। हाथ दिए, जब तक हम गाड़ी स्लो करे करे तब तक डंडा ऐसा चला है कि मेरा आँख ख़त्म हो गया। कब की घटना है? कल, आज मैंने कल रात 11:55 से 12 बजे के बीच में। कहाँ से लौट रहे थे आप? पटना से लौट रहे थे, शादी से। गाड़ी था पावर हाउस चौक है वहाँ पे, तो उन्होंने दिखाया, इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए। हम तो गाड़ी थोड़ा स्पीड थी तो हम लोग थोड़ा आगे चल के रुके। फिर उन्होंने गाड़ी को लॉज के मुँह बोला, फिर उन्होंने डंडा चला दिया मेरे ससुर जी पे। एक आँख से पूरा डैमेज, पूरा आँख हो गया है जिन्होंने। हम रात को ही दुर्गा संगर के यहाँ ले गए, वहाँ उन्होंने बोला किसी आई वाले डॉक्टर से दिखवाइए, तो कोई डॉक्टर आँख का नहीं था रात में। तो हम लोग सुबह में गए हैं ASG, वहाँ से उन्होंने रेफर किया SKMCH। फिर हम लोग SKMCH आए, अभी SKMCH से रेफर कर दिया कलकत्ता। तो आप उनके साथ ही थी ना उस समय घटना के समय? जी जी, हम उनके साथ ही थे। कौन सा थाना था? काजी मोहम्मदपुर थाना था। कितने पुलिस वाले थे उनके साथ? उन 3-4 थे, जो कुछ गाड़ी में भी थे और दो तीन नीचे खड़े थे। अब क्या है आँख की स्थिति अभी फिलहाल? आँख की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आँख बचाई नहीं। यहाँ डॉक्टर बोले हैं कि आँख पूरा डैमेज हो चुका है, आई बॉल होता है वो फूट गया है, तो वो आँख बचने का कोई चांस ही नहीं। क्या नाम है? जी, ज्योति कुमारी से। कौन हो गया आपका? जी, पुतोहू है। अच्छा, अभी यहाँ OP पे कंप्लेंट वगैरह किए हैं? जी, अभी उन्होंने FIR नहीं कर रहे थे, तो फिर बोला कि आप लोग दीजिए, हम नहीं, वो नहीं लिखे FIR, तो हमने अपने हाथ से लिख के FIR दिया है। आवेदन दे दिया आपको? अभी रिसीव करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, उस समय से बोल रहे हैं आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। कितने देर से यहाँ बैठे हुए हैं?
अभी हो गया 2-3 घंटा से यहाँ पे है, कोई भी नहीं है ओपी पर। अभी कोई नहीं रिसीव करने आया। ऐसे मामला संज्ञान में आया है कि पुलिस द्वारा जो है सो गश्ती के क्रम में एक आदमी को चोट लग गई है। इस संबंध में अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने के बाद हम लोग उसकी जांच करेंगे और जो विधिवत कार्रवाई होगी करेंगे।